स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम मिस्टर आस्थानी हैकर, आपका छोटा भाई तहे दिल से आपका स्वागत करता है पेश होकर न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस आज मैं सच में काफी घने जंगल में आ चुका हूँ, बहुत ही घना जंगल है, कोई भी नहीं है आसपास में। तो गाइस आप जैसा कि आप सभी लोग राजस्थान इंडिया सब कुछ सब जानते हैं उसे मिस्टर इंडियन हैकर, हम सबके चहेते दिलराज भाई जिस जो कि हमारे मार्गदर्शन है, हमारे गुरुजी है, जिसको कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब पसंद करते हैं और सब लाइक करते हैं, सब उन्हें जो है अपना प्यार देते हैं बहुत सारा ढेर सारा। तो गाइस वो जो शख्स है वो हमारे राजस्थान के नंबर वन यूट्यूबर है और एक बड़ी सेलिब्रिटी है। तो गाइस सबसे पहले उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि गाइस यार एक तो मुझे गर्व होता है कि क्योंकि हमारे स्टेट के ही, हमारे जिले के ही, अजमेर जिले के ही, दूसरा उनका गाँव मेरा गाँव बिल्कुल पास पास में है, मात्र 4 या 3 किलोमीटर का फर्क है। तो गाइस मैं उनकी लोकेशन पर आ चुका हूँ, उन्होंने 2 दिन पहले ही जो है यहाँ पर वीडियो शूट की थी एक भूतिया सुरंग। जी हाँ गाइस वो सुरंग जो है पीछे की साइड में और अभी हम जो है बाहर की साइड में खड़े हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बंदे हैं मशाल लेकर खड़े हैं और हम 4 जन हैं, मैं, कैमरामैन सोनू भाई, ये भाई अनिल भाई, सागर भाई, हम 4 बंदे हैं। 4 बंदों के अलावा कोई भी नहीं है, बल्कि कैमरा घुमा के दिखा दो एक बार, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी मर भी जाओ तो कोई भी बचाने वाला, सुनने वाला, ढूंढने वाला कोई भी नहीं है गाइस यहाँ पर। तो गाइस आप लोगों ने दिलराज भाई की वीडियो जरूर देखी, मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो जरूर देखी होगी, वो सुरंग सच में काफी भयानक थी, काफी खतरनाक भी थी गाइस। तो गाइस हम जो है अभी बाहर खड़े हैं बाहर की साइड में। तो गाइस सच में मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी अंदर जाने का, क्योंकि यार हम 4 बंदे और काफी डरावनी लोकेशन है और भाई पूरा जंगल है, यदि हमें यहाँ पे कुछ हो भी जाता है तो हमें कोई बचाने वाला या कोई ढूंढने वाला कोई नहीं आएगा। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए और आपका कीमती वक्त जाया न करते हुए बढ़ते हैं सुरंग की ओर, चलते हैं सुरंग के अंदर और देखते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है गाइस। बट प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना यार गाइस, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितना खतरनाक लोकेशन है, और लाइक भी करना और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आप एंड तक नहीं देखते हो। और हाँ गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दिया करो, यदि आप ऑल में नहीं करते हो ना आपकी जो भी हमारी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक नहीं पहुंचती, यदि आप उसे ऑल में कर दोगे ना तो जो भी वीडियो आएगी हमारी नई उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर, भाई मसाला जला लो लौंडो। रास्ता बंद है क्या गए? यहाँ पे कोई आया नहीं जाए इसलिए रास्ता बंद कर रखा है, यहाँ पे कांटे लगा रखे हैं, यहाँ पे खतरनाक लोकेशन है, क्या आप देख लो रिस्क भरा है, यहाँ पर आना साबित हो सकता है। यहाँ पर यार दिलराज भाई को मैं अगेंस्ट सैल्यूट, मिस्टर इंडियन हैकर को मैं अगेंस्ट सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि यार इतनी खतरनाक जगह पर वो कैसे उन्होंने ढूंढ लिया और कैसे वो यहाँ पर आ गए यार भाई, मुझे तो अभी से जो है फटी पड़ी है हम लोगों की। तो एक तो हम बंदे ही कम है और दूसरा गाइस यहाँ पर जो है जहरीले सांप काफी ज्यादा काफी संख्या के में अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पर जहरीले सांपों की कोई कमी नहीं है। और गाइस समय 10:30 तो हो गई होगी भाई, सुनो भाई 11 बज रहे भाई, 11 बज रहे भाई, सुन लो आप 11 बज रहे। सर्दी की जो मैं बात क्या बात करूँ आपसे, सर्दी तो पूछो मत ही कितनी खतरनाक सर्दी हो रही है। भाई को पीने छोड़ मत जाना भाई, ठीक है
डरा, जो कि ये जो ये दीवार का जो ये है ना, इनके अंदर ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जो है सांप हो सकते हैं। आप देख सकते हो बिल, यहाँ बिल देखो कितना खतरनाक तरीके से बिल है। यार गाइस ये देखो आप, ऊपर से जड़े जो है सीधा जमीन के अंदर आ रही है, और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो ये सुरंग है काफी और भी जो है सकड़ी होती जा रही है और पतली होती जा रही है। भाई यार देख, भाई देखो इधर, देखो पीछे नीचे नीचे। यार कितना खतरनाक लोकेशन है यार। चलो भाई आगे चलो आगे। यार देखो गाइस यहाँ पे कितनी हड्डियां पड़ी है, देखो सोनू भाई ध्यान से, और मुझे जो ये इस गुफा के अंदर जो ये जीव दिख रहे हैं ना, मुझे उनको देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ सांपों की कोई कमी नहीं है। यार भाई आगे चले क्या यार, यहीं से डर लगने लग गया, आगे क्या चले।
यार आप लोगों ने राउडी राउडी राठौड़ पिक्चर देखी आप लोगों ने? देखो हमारे बंदे कैसा है, देखो चलने तक की जगह नहीं है, पर चलने तक की भैया देखो मुझे बिल्कुल भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। चलो भाई राउडी राठौड़ पिक्चर के अंदर जो वो लड़ाई वाला सीन हुआ था अक्षय कुमार सर के साथ में, वो गुंडे के साथ में प्रकाश राज तो वही वाला सीन लग रहा है यार। गाइस देखो सही, पर तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अंधेरा अंधेरा, तारे भी नहीं दिख रहे यहाँ तक कि मुझे। गाइस देखो नहीं, देखो सुरंग के अंदर सुरंग है यार। चलते चलते कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं। हाँ भाई 30 की जाने। सोनू भाई हाँ भाई 15-20 मिनट हो चुके हैं, हम कंटिन्यू चलते चलते, और अब जो है हमारे पैर भी दुखने लगे भाई। गाइस आप देखो इन जड़ों को देखो, ये जो है ऊपर से सीधी जमीन के अंदर आ रही है ऊपर, अब पता नहीं मुझे ये कितनी गहरी पता नहीं कितनी गहराई के अंदर मैं उतर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जो है कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भाई 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 क्या हुआ कुछ नहीं डर मत। अरे यार भाई तू कैमरामैन हो के तू ऐसा आदमी हो के तू डरा रहा पागल है क्या? वैसे तो फटी पड़ी है हमारी, वैसे तो फटे करके हाथ मार रखी है और तू डरा रहा है, तो कैमरामैन हो करके डरा रहा है गाइस यार।
कम डेढ़ किलोमीटर हम चल लिए। ओए खुल गई भाई। ओए ओए आ गए हम बाहर फाइनली। गाइस यार हम बाहर आ चुके हैं। ऊपर चलते भाई। यहाँ पे रास्ता बंद है। जैसे चलो इधर से आराम से चढ़ सके। अगर भाई आराम से यार गाइस हमारे सागर भाई का जो है पैर टूटा हुआ है मगर फिर भी जो है आ चुके हैं वो। मन कर लेने लगे चारों तरफ दुआई दुआ। तो भाई लोगों कैसी लगी तुम्हें भूतिया गुफा सुरंग? भाई बहुत खतरनाक। आज तो पैर ही दुखने लग गए। फट भी गई है गाइस यार। भाई चार बंदे गए थे हम, तीन मैं, चौथा हमारा कैमरामैन। तो गाइस यार सुरंग का एक्सपीरियंस काफी खतरनाक रहा, काफी डरावना रहा। और हमारे दिलरा मिस्टर इंडियन हैकर भाई, हाँ उन्होंने एक चैलेंज किया था कि यहाँ पर कोई आए, तो हमने जो है उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और चैलेंज पूरा करके दिखाया है। तो गाइस सुरंग के अंदर हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे कि हमें कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ अनहोनी हो सकती है या फिर हमें कोई घोस्ट या कुछ परछाई वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आई थी हमें। बस एक डर था दिल में क्योंकि गाइस यार यहाँ पर जो है अभी जो हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में जहरीले दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं गाइस यहाँ पर। मैंने गुफा के अंदर भी जो है आपको सुरंग के अंदर भी जो है बताया होगा क्योंकि गाइस उसके अंदर काफ़ी सारे बिल थे अलग अलग तरीके के बड़े बड़े साइज के। तो गाइस आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? आई होप सो पसंद आई होगी गाइस। तो प्लीज़ लाइक कर देना। समय की अगर मैं बात करूँ फोन भाई 11:30 हो चुकी है। हम जो है 10:45 पे या कुछ ऐसे घुसे थे अंदर और आधे या पौन घंटे लगातार हम सर्वाइव करते रहे थे। तो कम से कम हम जो है 1.5 से 2 किलोमीटर चल लिए आराम से। सुरंग इतनी लंबी थी और उसका एक्सपीरियंस सच में काफ़ी डरावना था। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन आपसे, ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी करिए, अपने पड़ोसियों से भी करवाइए। तो गाइस यार मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।